आसामर उग्रवादी संगठन उल्फा सह चुक्ति स्वाक्षर केन्द्र सरकार आसाम सरकार और उल्फा मध्य त्रिपाक्षिक चुक्तिनामा स्वाक्षर हो केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और उल्फा संगठन सदस्यों उपस्थित यह चुक्तिनामा स्वाक्षर हो तेज उल्फा स्वाधीन संगठन मुख्य प्रदेश बरुहा चुक्तिनामा को विरोध कर चुक्तिनामा द्वारा आसाम सबुठ बड़ समस्या अनुप्रवेश उपरे रोक लागिबो चुक्तिनामारे थिबा समस्त सत्त को निर्धारित समय मध्य पूरण कराजिबो एवं उल्फा को निषिद्ध घोषणा कराजिबो बोली केंद्र गृहमंत्री अमित शाह कहिछंती। उल्फा संगठन सदस्य माने केंद्र और आसाम सरकार को उपरे भरोसा और विश्वास रखिए पर निष्पत्ति नेथिबा अमित शाह कहिछंती। त्रिपाक्षिक चुक्तिनामार श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देइछंती केंद्र गृहमंत्री। उत्तर पूर्व राज्य रे एहा शांति प्रतिष्ठा सह स्थिरता आणिबो बोली शाह कहिछंती। आसाम समेत विभिन्न उत्तर पूर्व राज्य विभिन्न स्थान रु आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट उठाई ने अनुप्रवेश अनेक मात्रा कमी अमित शाह आसाम मूल आदिम अधिवासी को जमी अधिकार देवा आसाम सामग्रिक विकास आर्थिक पैकेज दाबी रे 1979 एप्रिल 7 तारीख में उल्फा संगठन सृष्टि होता प्रथम संगठन सदस्य माने गरीब लोकों समस्या समाधान पर काम करते तेज 1980 दशक बेलू संगठन सदस्य परेश बरुहा अरविंद राजखोआ और अनूप चेतिया भारत सरकार के विरोध में सशस्त्र आंदोलन करते आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज आसाम के भविष्य के लिए एक सुनहरा दिन है। लंबे समय से आसाम ने हिंसा को झेला है, पूरे नॉर्थ ईस्ट ने हिंसा को झेला है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास हुए, मन खोलकर खुले हृदय से सभी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई और उनके मार्गदर्शन में ही उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा। पिछले 5 वर्षों में 9 शांति और सीमा संबंधित समझौते अलग अलग राज्यों के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई है। पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट यही है कि आसाम का अभी डिलिमिटेशन हुआ था। आउट ऑफ 126 वी हैव सिक्योर्ड ऑलमोस्ट 97 सीट फॉर द इंडिजेनस पीपल, सो दैट प्रिंसिपल विल कंटिन्यू इवन इन द नेक्स्ट डिलिमिटेशन। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा प्राप्ति हुआ कि अभी आसाम का लोगों का जो पॉलिटिकल एक हमारे इनसिक्योरिटी था, ये इनसिक्योरिटी का समस्या का समाधान हुआ है और साथ में आसाम का समस्या काफी सारे समस्या का समाधान अकॉर्ड में है और साथ साथ में 1.5 लाख करोड़ का निवेश का भी बात अकॉर्ड में बोला गया है। नीतीश कुमार का बड़ा निष्पत्ति, जेडीयू रे बड़ा डेवलपमेंट, राष्ट्रीय सभापति पदर ललन सिंह आउट, नीतीश कुमार इन। जेडीयू जातीय कार्यकारिणी रे नीतीश कुमार को निष्पत्ति राजनीतिक महल को भल चर्चार विषय जोगाई, कारण बैठक पूर्व जहां चर्चा होता ताला देखा बाकी रहा। जनवरी 5 तारीख में बिहार राजनीति में कि प्रकार राजनीतिक समीकरण सृष्टि हो, तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छाड़े ना आउ किसी गोटी चलाइबे। हटरे नथिले हेले पाखरे बसिथिले, एबे किंतु पदरे नहंती। जनता दल यूनाइटेड रे होईछि बड़ डेवलपमेंट, जहां चर्चा हेउथिला, जहां को नहीं राजनीतिक महल रे टुपुर टापुर चलीथिला, ठीक ताहा ही होईछि। नीतीश कुमार नेइछंती बड़ निष्पत्ति, निजे होइछंती दलर राष्ट्रीय सभापति आउ ललन सिंह देइछंती इस्तफा। दिल्ली रे अनुष्ठित दल जातीय कार्यकारिणी बैठक रे ए निष्पत्ति होईछि। ये परिषद की बैठक आहूत थी, उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया। ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा
कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा, इसलिए उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। जेडीयू जातीय कार्यकारिणी पाई गुरुवार दिल्ली में पहुंची थे नीतीश कुमार। ललन सिंह को नहीं गणमाध्यम चली चर्चा उपरे नीतीश की निष्पत्ति ने उपरे थिला समस्त नजर, तबे कार्यकारिणी पूर्व इस्तीफा चर्चा को संपूर्ण खंडन करते ललन सिंह। भारतीय जनता पार्टी ताकत ली, हम आपके इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। एबे किंतु चर्चा सत होइथिबा बेले ललन सिंह कहउछंती भिन्न कथा, दलर निष्पत्ति को नहीं तांको अभिमान नाही कि से कहा उपरे रागी भी नहांती। काहे कि ललन सिंह को दलर राष्ट्रीय सभापति पदरु हटाई देले नीतीश कुमार, दलर नेता किंतु कहउछंती साधारण निर्वाचन पाखे आसुथिबारु मुंगेर सांसद निज निर्वाचन मंडली उपरे अधिक फोकस करबा को चाहउछंती, सेथिपाई निज आडु इस्तफा देथिबा बेले नीतीश कुमार ताहाकु ग्रहण भी करिछंती और सर्वसम्मत क्रमे निजे होइछंती दलर राष्ट्रीय सभापति। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभालें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। हम नए अध्यक्ष बने हैं, उनका पार्टी का निर्णय रहा है, तो पहले भी अध्यक्ष रहे ही हैं लगातार और पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं। बिहार राजनेता बिहारी राजनीति आउ विशेष करी नीतीश कुमार को राजनीतिक रणनीति को चिन्हिबा एतेटा सहज नुहे। लालू यादव को आरजेडी को डाउन करी बिहार राजनीति रे ऊपर को उठिथिबा ई चाणक्य राजनेता जनक राजनीतिक गोटी चलाई बारे जे माहिर ताहा केही अस्वीकार करि पारिबे नाही, कारण केतेबेले आरजेडी को विरोध करी मुख्यमंत्री होइछंती ताउ केतेबेले आरजेडी को साथीरे नै मुख्यमंत्री होइछंती, पुणि कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूपीए एवं बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए रे शामिल हेबार अभिज्ञता मध्य तांकर भल रकम अछि। खाली सेतिकि नुहे, दल को केमिति निज हात मुठारे रखा जाई पारिबो से कला भी नीतीश कुमार को बेस जणा, कारण अतीतर जॉर्ज फर्नांडिस एपिसोड हेउ बा शरद यादव स्टोरी अबा रामचंद्र प्रसाद सिंह किंबा वर्तमान ललन सिंह को एग्जिट, ए सब प्रमाण करि देउछि नीतीश कुमार माने जेडीयू आउ जेडीयू माने नीतीश कुमार। नीतीश को निष्पत्ति जेडीयू रे बड़ डेवलपमेंट सृष्टि करथिया बेले समालोचना पाई मध्य विरोधी को देछि भलो खोराक। नीतीश जी की पार्टी है, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, फर्क क्या पड़ता है, नीतीश जी बने या पहले आरसीपी जी थे, उसके पहले सरदे जौहर साहब थे, कोई नई बात नहीं है। जो आया है जाना तय है, जो जन्म लिया है मरना तय है, लेकिन जो जाता है वो कीर्ति करके जाता है, उसकी वृत्ति उसके जस को बढ़ाता है, लेकिन इनकी विदाई जिस तरह से हुई है, इनका जो वृत्ति था इनके कीर्ति को घटा दिया। एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी इस तरह का विदाई स्वीकार नहीं करता है। जब पार्टी का विश्वास नहीं रहे, नेतृत्व का विश्वास नहीं रहे, उस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा, इनको पहले ही इस्तीफा कर देना चाहिए था। वर्षे तले बीजेपी को डंप करी राष्ट्रीय जनता दल लंठन ने आलोकित होइथिबा नीतीश कुमार एबे होइछंती जेडीयू रा राष्ट्रीय सभापति, जहाँ को नहीं तांको समर्थकों को खुशी कहिले न सरे। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो नीतीश कुमार जैसा हो नारा देवा सह बैंसी बजाई खुशी मनाइछंती सेमाने। तेरे पीछे सारा जमाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से हमको बहुत खुशी है, सारा सिस्टम को सुधार देंगे, जो इगड़ा बिगड़ा दाएं बाएं था ना, सब सुधार जाएगा। बीजेपी को डंप करी नीतीश कुमार जेते बेले द्वितीय थर पाई आरजेडी को नहीं सरकार गढ़िले सेते बेले गोटिए कथा कहिथिले, वर्षक परे तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद छाड़िबे बोली से कहिथिले। सेही जनवरी 5 तारीख पाखे आसुथिबा बेले नीतीश का निष्पत्ति बिहार राजनीति रे भिन्न एक समीकरण सृष्टि करिबार संभावना भी रखुछि। सेपटे एहा मध्य सुनिबा को मिलुछि जे ललन सिंह आरजेडी रो निकटतर हेउथिले, खाली सेतिकि नुहे निकटरे शेष होइतिबा इंडिया मेंटो बैठक रे प्रधानमंत्री पद पाई
नीतीश नाम को प्रस्तावित कर नपर ललन महंगा सब्यस्त हो राजनैतिक महल में चर्चा होड़िया शनिवार अयोध्या जाउछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आसंता 22 तारीख में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव होगा जाउथिबा बेले ता पूर्वरु विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य करा जिबो एवं किछि प्रकल्पर शिलान्यास आउ किछि प्रकल्पर लोकार्पण अछि। अयोध्या रे नवनिर्मित विमान बंदर टर्मिनाल रेल स्टेशन लोकार्पण करिवे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री गस्त पई अयोध्या जिला प्रशासन पूरा प्रस्तुत होइ रहिछि। अमृत भारत एवं वंदे भारत ट्रेन रो शुभारंभ करिवे मोदी। पूरा जिले में प्रथम द्वादश श्रेणी जाए छुट्टी घोषणा कर सेपटे मंदिर गर्भगृह में रामलला क्यों मूर्ति स्थापन से नहीं शुक्रवार भोटिंग तीनज शिल्पी तीन टी मूर्ति करे क्यों मूर्ति को गर्भगृह में स्थापन से नहीं भोटिंग स्वतंत्र चयन कमिटी गठन कर जनवरी के 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भव्य राम मंदिर में जो केवल 140 करोड़ भारतीय जनता का सपना नहीं लेकिन विश्व में बैठे हुए भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े हुए एक एक व्यक्ति का सपना था। 500 साल पुराना एक सपना 5000 साल पुराना एक सपना है और उसे अगर किसी ने साकार किया है और सपने को संकल्प में परिवर्तित करके उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का एक परिश्रम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है और बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए और सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों के लिए और विकास के प्रति भाव रखने वाले लोगों के लिए, इसलिए कि कल भगवान श्री राम की धरती पर जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कल शुरुआत होगी, उद्घाटन का कार्यक्रम होगा, उसके लिए स्वागत है आदरणीय मोदी का और इसलिए और ज्यादा स्वागत है। अयोध्या जनवरी 22 तारीख में होगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी जीवार संभावना अधिक कांग्रेस सूत्र आभास मिली। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में सामिल होगा मंदिर ट्रस्ट पक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा विरोधी दल नेता अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण करतेदूर आशा खड़गे और अधीर रंजन प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को जापारती साधारण निर्वाचन को आखापाखि 4 मास बाकी देश में भगवान श्रीराम को नहीं भिन्न एक माहौल सृष्टि निर्वाचन उपर जहां राजनैतिक प्रभाव अनेकांश पड़ा जाऊँ बीजेपी राजनैतिक दल विशेषकर अधिकांश विरोधी दलों राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव वाकिंग अन् टाइट रोप स्थित सृष्टि तेणु ए दृष्टि देखा गले उत्सव को सोनिया गांधी जीवार संभावना अधिक रही संविधान उदाहरण दे प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को जीव नहींसारी सीपीएम सेपटे निमंत्रण कर क्षोभ प्रकाश करिसंती एनसीपी बॉस शरद पवार राम मंदिर को नहीं बीजेपी राजनीति करुथिबा शरद पवार अयोध्या गस्तरे मुस्लिम युवती मुंबई रु अयोध्या 1425 किलोमीटर रास्ता चली चली जाउछंती सबनम साथी अछंती दुई हिंदू युवक रमणराज शर्मा और विनीत पांडे दिनक 25 रु 30 किलोमीटर चलुथिबा ए तीन सांग शुक्रवार मध्यप्रदेश सिंधुआ रे पहुंचंती केबे अयोध्या रे पहुंचिबे ता सटीक भाबे कहि पारु नाहंती सबनम किंतु से तांको गंतव्य स्थल रे पहुंचिबे एवं भगवान श्रीराम को दर्शन करिवे बोली आशा रखिछंती। सबनम को कहिबा कथा से मुस्लिम सनातनी भगवान राम कौन से निर्दिष्ट संप्रदायर नुहंती से समग्र विश्वर तेणु राम को भक्ति और पूजा करने क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम मध्य कौन फरक ना केवल जड़े भल मनीष हो दरकार से कहते सबनम को एपरी राम भक्ति को विभिन्न महलू प्रशंसा कर किसी लोक तीव्र समालोचना करे से जो संवेदनशील रास्ता दे जाठे स्थानीय पुलिस सुरक्षा देउछि खाली सुरक्षा नुहे पुलिस खावा पीवा रहिबार व्यवस्था भी कर आप कहाँ जा रहे हो? जय श्री राम, मैं जा रही हूँ मुंबई टू अयोध्या पैदल यात्रा करने। पैदल चल गए? यस, और मेरा नाम है शबनम शेख और एक मैं भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ। जय श्री राम। तो आपने पीछे क्या क्या लिया जरा दिखाइए आप। पीछे राम जी का झंडा है फ्लैग और एक मैंने बैनर बनाया है। तो दोस्तों देख सकते हैं राम जी का झंडा, अब दिखाइए थोड़ा बैनर, ये रहा कुछ बैनर। तो आप कितने दिन में पहुंच जाओ, कितना टाइम लगेगा? पता नहीं,
कितना टाइम लगेगा, बस मैं निकल चुकी हूँ राम जी का नाम लेकर के। मैं कितने भी टाइम में पहुँचू मुझे नहीं पता, बस मैं निकल चुकी हूँ। तो एक बार बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आयकर विभाग देछि चेतावनी, एटा ही शेष सुजोग, यहाँ पर आउ सुजोग दिया जिबो नाही। 2022-23 आर्थिक वर्ष पई जो माने आयकर भरी नाहंती सेमाने आसंता डिसेंबर 31 तारीख सुधा भरंतु। आयकर भरिबार शेष तारीख थिला जुलाई 31 तारीख। तबे जो माने जुलाई 31 तारीख सुधा आयकर दाखल करि नाहंती डिसेंबर 31 तारीख सुधा सेमाने भरिबाकू बाध्य। आयकर विभाग पक्षरु पूर्वर ट्विटर तथा वर्तमान रे एक्स रे सूचना दिए जाइछि। आयकर विभाग मध्ये एने लिंक शेयर करिछि। 2020-21 आर्थिक वर्षर देशर समस्त नागरिकों पई आयकर दाखल बाध्यतामूलक करिछि आयकर विभाग। पृथक नुहे, से समान फॉर्म रे ही आयकर भरिबाकू पड़िबो। जदि कोनोसी व्यक्ति डिसेंबर 31 तारीख सुधा आयकर दाखल न करंती तेबे तांकु अनेक किछि क्षति सहिबाकू पड़िबो। घर संपत्ति व्यतीत अन्य कोनोसी क्षेत्र रे क्षति को हिसाब को नियाजिबो नाही। फेरि पाइबाकू थिबा टंका उपरे सुध मिलिबो नाही। सेमाने कोनोसी प्रकार रिहाती उपलब्ध करि पारिबे नाही। जरिमाना मध्ये सेमानकु देबाकू पड़िबो। आयकर विभाग धारा 234F अनुजाई 5000 टंका जरिमाना लागिबो। क्षुद्र करदाताक पई 1000 टंका। खाली सेतिकि नुहे, मासकु 1% हारे सुध मध्ये देबाकू पड़िबो।